गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंटरमीडिएट स्तर हिंदी में दिए गए गद्य खंड को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। पैसेज 23 यानी 23 नंबर। पैसेज को जब भी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो लगभग हर पैसेज में 3 या 4 वाक्य टेक्निकल सेंटेंसेज होते हैं और उसको विशेष सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए। टेंस तो अपने जगह पर ठीक है, सारे वाक्य तो टेंस से ही बनेंगे, लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल सेंटेंसेज होते हैं जिनका विशेष प्रकार का कंस्ट्रक्शन होता है, उसको बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। पैसेज दिया है, हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब दिया गया हो ट्रांसलेशन तो सरसरी निगाह से पढ़ लेना चाहिए कि किस तरह का है, क्या है, हमें क्या करनी चाहिए। तो हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, सभी के लिए, हम सभी, वी आर, हम सभी लोग, यानी सभी व्यक्ति, ऑल ऑफ अस भी want to achieve a big goal in life. All of us, हमें से सभी लोग, want, प्लूरल नंबर की क्रिया होगी, want to achieve a big goal या want to get, acquire a big goal in life. Goal, उद्देश्य, target, aim. इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। फॉर दिस, इस कार्य के लिए यानी ऊंची उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, मेनी बिग टास्क हैव टू बी डन। फॉर दिस मेनी बिग टास्क, बड़े बड़े कार्य, हैव टू बी डन, करना पड़ता है। हैव टू बी पैसिव वॉइस में हैव टू बी डन, करना पड़ता है। फॉर दिस, इसके लिए मेनी बिग टास्क, बड़े बड़े कार्य, have to be done, किए जाने पड़ते हैं, जिनमें अक्सर कई मुश्किलें आती हैं। Which often involve many difficulties, जो बहुत सारी कठिनाइयों को भी अपने में शामिल करता है। Which often involve many difficulties, यानी वह कार्य, जो कार्य करने होते हैं वह बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं, जिसकी अक्सर बड़ी कई मुश्किलें उत्पन्न होती है। वाक्य यहां से, इसके लिए बड़े कार्य करने होते हैं। फॉर दिस बिग टास्क हैव टू बी डन, जिनमें विच इन्वॉल्व मेनी डिफिकल्टीज। ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्य या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, न कि संपूर्ण कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। इट इज बेटर, बेहतर दैट यू चूज टू डू स्मॉल टास्क, कह रहा है, ऐसे में बेहतर है, इट इज बेटर इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, ऐसे में या इन दिस सिचुएशन, इट इज बेटर, नहीं भी सिचुएशन लेंगे इन दिस सिचुएशन तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे में अगर लिखना ही चाहते हैं तो इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन, इट इज बेटर, बेहतर है दैट वी चूज टू डू स्मॉल टास्क इन द बिगिनिंग, या पहले भी लिख सकते हैं, इन द बिगिनिंग वी चूज टू डू स्मॉल टास्क आर अदरवाइज, बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। आर डिवाइड बिग टास्क इन टू स्मॉल टास्क इन द बिगिनिंग रैदर देन बी ईगर टू अकॉम्प्लिश द बिग टास्क एट होम, रैदर देन अपेक्षाकृत बी एगर, उत्सुक हो जाना किस लिए, टू अकॉम्प्लिश द बिग टास्क एट होम, कह
कह रहा है कि प्रारंभ में आप पहले भी लिख सकते हैं इन द बिगिनिंग, छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। इट इज बेटर दैट चूज, हमें चुने टू डू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्य करने के लिए, आर अथवा डिवाइड बिग टास्क इनटू स्मॉल टास्क, अथवा बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्य में बांट देना चाहिए इन द बिगिनिंग, रैदर देन बी ईगर टू अकॉम्प्लिश बिग टास्क, बड़े कार्य को तत्काल में पूरा करने से बेहतर है कि छोटे छोटे कार्य पूरा किए जाए। प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरा किए जा सकें। प्रारंभ में यानी इन द बिगिनिंग, इट इज सुटेबल टू डू स्मॉल टास्क इन द बिगिनिंग, पहले भी इन द बिगिनिंग लिख सकते हैं, इन द बिगिनिंग इट इज सुटेबल टू डू स्मॉल टास्क, प्रारंभ में करा प्रारंभ में इन द बिगिनिंग, इट इज सुटेबल उपयुक्त होता है, उचित होता है क्या टू टेक या टू डू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्य को करना ज्यादा उचित होता है, सो दैट ताकि दे कैन बी इजिली अकॉम्प्लिश, पैसे वर्थ में सो दैट ताकि वे आसानी से पूरा किए जा सकें, दे कैन बी इजिली अकॉम्प्लिश पूरा किए जा सकें, जिससे सफलता हासिल हो सके, एंड वी कैन गेट सक्सेस, ताकि हम सफलता प्राप्त कर सके, एंड वी कैन गेट सक्सेस, सफलता चाहे छोटे काम की हो ही क्यों ना, इवन इफ इट इज आर ए कंप्लीटिंग स्मॉल, इवन इफ भले ही इट इज, इफ इट इज आर ए कंप्लीटिंग स्मॉल टास्क, भले ही कह रहा है कि इसमें जिसे सफलता हासिल हो सके, सफलता चाहे छोटे काम की हो, सक्सेस मे बी फॉर दी स्मॉल टास्क, और उसी को सीधे लिख सकते हैं इवन इफ The success is on completing, it comes of success. Even if the success is on completing a small task, छोटे काम के लिए सफलता होती है, यह व्यक्ति में उत्साह से भर देती है, fills यह भर देती है, fills a person with enthusiasm, उत्साह enthusiasm, fills a person with enthusiasm, उत्साह से भर देती है, जो बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती, विच एम्पावर्स हिम, जो उसे शक्तिशाली बना देती है, विच एम्पावर्स हिम शक्तिशाली बना देती है, टू डू बिग वर्क्स बड़े बड़े काम करने के लिए शक्तिशाली बना देती है। छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता प्रतिभा का अनुभव ही कर लेता है, ऑन बीइंग सक्सेसफुल इन स्मॉल वर्क, छोटे काम में सफल होने पर ऑन बीइंग सक्सेसफुल ऑन स्मॉल वर्क, द मैन फेल्स हिज एबिलिटी, आदमी अपनी योग्यता महसूस करता है, एंड टैलेंट और प्रतिभा महसूस करता, ऑन बीइंग सक्सेसफुल इन स्मॉल वर्क, द मैन फेल्स हिज एबिलिटी एंड टैलेंट, अपनी योग्यता और प्रतिभा अनुभव करता है। ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, इन दिस सिचुएशन, ऐसे में व्हेन ही प्रोसीड्स या व्हेन वन प्रोसीड्स ए स्टेप, जब एक व्यक्ति आगे बढ़ाता है या व्हेन ही प्रोसीड्स ए स्टेप का दी वे बिकम्स इजी, रास्ता आसान हो जाता है,
या दिवे बिकम्स स्मूथ सरल हो जाता है। एंड दिस सिचुएशन इस स्थिति में वेन वन प्रोसेस ए स्टेप अथवा वेन ए प्रोसेस ए स्टेप काम तब रास्ता सुगम हो जाता है। दिवे बिकम्स इजी या स्मूथ। तो इस तरह से आपने देखा कि दिए गए पैसेज को बड़े सावधानी पूर्वक अंग्रेजी के अंतर्गत अनुवाद करना चाहिए। थैंक।